मेरे सामने अभी जो नया NS 400 जो निकला हुआ वो देख सकते, डिलीवरी लिया गया ये बाइक का, देख सकते चार्ज करने वाला ऑप्शन रहा सेम डोमिनार जैसा लग रहा देखने में कुछ इस तरह 150 जैसा सेम। बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं एकदम बढ़िया हूं। तो गाइस फाइनली आज आप लोग तो पता चल ही गया कंटेंट देख के और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा क्या चीज का ब्लॉग बना रहा हूं। तो देख सकते हैं मेरे सामने अभी जो नया NS 400 जो निकला हुआ वो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सामने पूरा सिराह में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पूरा सिराह में फर्स्ट बाइक है ये, फर्स्ट डिलीवरी लिया गया ये बाइक का, देख सकते हैं सामने कितना बवाल लग रहा है देखने में। अभी थोड़ा गंदा है तो अभी GoPro लाना मैं भूल गया हूँ, जब GoPro लाऊंगा तो अच्छा से ब्लॉग बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं यहाँ पर NS 400 ये रहा बाइक कुछ इस तरह, और इसका आप लोग यहाँ पर स्क्रीन देख सकते हैं, ये रहा स्क्रीन, यहाँ पर ये रहा इसका चार्ज करने वाला ऑप्शन एंड यहाँ पर कुछ शेड सब रहा, ये रहा पास लाइट सेम मेरे बाइक जैसा N150 जैसा सेम पास लाइट, आप इसे करिएगा एंड जब डीपर मारना था आपको इसे कर दीजिएगा। ये रहा क्लच एंड इसका ये रहा प्लेट, इसका ये मिरर रहा सेम डोमिनार जैसा, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दोस्त ने, मेरा दोस्त का बाइक है ये, तो यहाँ पर रेड एंड यहाँ पर ब्लू करवाया है और सेम यहाँ पर ये मेरे बाइक जैसा है N150 जो मेरा बाइक है सेम वही टाइप का लाइट है। एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये रहा कुछ इस तरह इसका स्क्रीन, लेट ऑस राइड 6 गियर तक है इसका, और इसका भी न्यूट्रल लगाते हैं आपको गियर में पता नहीं चल रहा यार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं है सीधा, यहाँ पर सब ऑन ऑफ करेगा। ये रहा हजार लाइट यहाँ पर ऑन किए, अभी रोड पे ब्लॉग बना रहे इसलिए आवाज़ थोड़ा ख़राब आ रहा होगा पर फिर भी आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये रहा इसका सेम डुक में जो इंडिकेटर लगता है वही इंडिकेटर है इधर एक साइड इधर, और इसका हजार लाइट आपको एक्स्ट्रा लगाना नहीं पड़ेगा, हजार लाइट यहीं पर इसका ऑप्शन है, ये रहा हजार लाइट का ऑप्शन, हजार लाइट देख सकते हैं जल रहा है यहाँ पर, और एक हजार लाइट पीछे भी जल रहा है। बवाल बैक है, मतलब मेरे पास अभी GoPro नहीं है वरना अच्छा से आप लोग को पूरा पता करता बताता। यहाँ पर देख सकते हैं इसका लुक क्या बवाल दे रहा है सामने से, एक मिनट देख सकते हैं यहाँ पर लुक, और इसका सिनेमेटिक आप लोग को चेक करवाते हैं हम। इसमें बहुत सारा फीचर सब है पर मोबाइल लेकर उसके बाद GoPro है ही नहीं है मेरा, उन्होंने अच्छा से आपको फीचर बताता। और कुछ इसी तरह बाइक रहा NS 400, इसका समथिंग 5,60,000 पड़ा नेपाली, और ये फर्स्ट बैग है पूरा सिरा में, और यहाँ पर देख सकते हैं इसका पूरा यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ, आराम से आप लोग चेक कर सकते हैं बजाज का 400 सेगमेंट में NS कुछ इस तरह रहा फर्स्ट बाइक सिरा में। और इसका बाप रे ये देख सकते कितना मोटा है यार, और ये देख सकते इसका मड गार्ड क्या बवाल लग रहा है देखने में, अगर रोड पर बना रहे ना इसलिए आवाज़ थोड़ा वो हो रहा, इसका ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि इसका बैटरी ज़्यादा होगा। और कुछ इस तरह रहा आप अगर ऑफ, अरे न्यू फंक्शन है यार हमको पता ही नहीं था, देख सकते हैं यहाँ पर जब इसको ऑफ भी कर दीजिएगा तभी आपका यहाँ पर अगर ऑन करना है हजार लाइट, अभी तो ऑफ ही है ना, हजार लाइट जलेगा आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा फिर भी हजार लाइट जलेगा, अच्छा हम ऑन कर दिए देख सकते हैं यहाँ पर फिर भी हजार लाइट आप नहीं जलेगा, अगर ऑन कर हजार लाइट आप ऑन कर दिए ना, ये रहा हजार लाइट ऑन हुआ, एक मिनट इसको ऑन दीजिए, हजार लाइट ऑन रहा फिर भी हजार लाइट ऑन है, देखिए मेरा स्क्रीन ऑफ है यहाँ पर, स्क्रीन ऑफ है फिर भी हजार लाइट जल रहा है, और अगर ऑफ कर दिए उसके बाद ऑन किए तो ऑन नहीं होगा, फिर इसको ऑन करना पड़ेगा मीटर को। तो कुछ इस तरह रहा, देखने में तो बवाल लग रहा है यार पर थोड़ा गंदा है, पर कोई बात नहीं, अभी रोड ही यहाँ पर इतना ख़राब है ना यहाँ का रोड, कुछ इस तरह रहा मेरा GoPro ही ठीक नहीं यार, वरना बनाते हैं बाइक हेलमेट तो लेकर आए, GoPro में क्या हुआ ठीक कराना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा। और नीचे में देख सकते हैं अंडरबेली भी लगा हुआ है, पाइप देख सकते हैं नीचे में कुछ इस तरह रहा इसका नीचे का, और 400 cc का ये बाइक है, और टायर देख सकते हैं बवाल लग रहा है टायर देखने में, यहाँ पे कहीं हटा देगा तो और बवाल लग रहा है देखने में कुछ इस तरह रहा। सस्पेंशन इसका देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा सस्पेंशन कैसा लगा गाइस कमेंट में जरूर बताना। मैं तो गाइस कुछ कमी नहीं क्योंकि मैं 0 माइल से अपने घर से यहाँ तक चला कर लाया, क्योंकि यहाँ पर खाली रोड है, ये रोड ना अभी चल रहा है पर ये रोड खाली, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं, इसलिए यहाँ पर लाकर उसके बाद अच्छा से ब्लॉग बना रहे हैं, और सनसेट हो रहा है कितना बवाल लग रहा है देखने में, फिर भी आवाज़ आ रहा है क्योंकि ट्रक बाइक सब जब गुजरता है ना साइड से आवाज़ आता है। और इसका देख सकते हैं MRF का टायर है लगा हुआ, ये रहा कुछ इस तरह MRF का टायर, और चलाया अभी बहुत बवाल लगा चलाने में पर GoPro नहीं है वरना अच्छा से आप लोग को मजा देते हैं, सेम इतना बवाल लग रहा है ना गाइस चलाने में,
पर क्या करें यार, गोप्रो ने साथ नहीं दिया। और इसमें देख सकते हैं पूरा न्यू है, इसमें सब कुछ स्टिकर से लगा ही हुआ है। ये कितना किलोमीटर चला हुआ है ये बाइक, मैं दिखा दें आपको, 8 से 6 किलोमीटर चल चुका है बाइक। हेजा लाइट ऑन, हेजा लाइट ऑफ कर देते हैं इसका, हम आपको बैठा कर बैठ कर उसके बाद दिखाते हैं। यहाँ पर रख दीजिए और कुछ इस तरह रहा, हैंडल ऊपर करके गियर में है कि नहीं है इसका, यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। ये मीटर ऑन हो चुका है, इसको ऊपर करिएगा तो मीटर ऑफ होगा, मिड में करिएगा मिड में तो मीटर ऑन हो गया। अब इसको डाउन करिएगा अगर, ये देखिए बाइक स्टार्ट हो चुका है मेरा, सर्विस नॉट डाउन, अभी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये रहा कुछ स्क्रीन, यहाँ पर आपको शो करेगा स्पीड, इधर भी स्पीड शो करेगा, इधर भी स्पीड शो करेगा। इसका अभी न्यूट्रल लगा हुआ है, इसको बाइक ऑफ कर देते हैं अभी फिलहाल। और ये रहा कुछ इस तरह हजार लाइट का, ये रहा लाइट का, एंड ये हॉर्न, इसका हॉर्न कुछ इस तरह है। ये रहा इंडिकेटर, इधर पास लाइट, एंड ये कुछ सेटिंग सब रहा जो मुझे पता नहीं अभी मैं मुझे अच्छा से ये स्पीड का। तो गाइस बताइए आप लोग कैसा लगा कमेंट में। इसका माइलेज चेक करना पड़ेगा कितना माइलेज दे रहा है, ब्राइटनेस ट्रिप कोई तो उसको स्पीड54 किलोमीटर। एंड देन इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर अलर्ट बंद कर दें, इसको बंद कर दिए। और इसका सिनेमेटिक आप लोग को चेक करवा दें एक मिनट। आप लोग ने सिनेमेटिक चेक कर लिया, और ये रहा मेरा हेलमेट, और आप यहाँ से निकलते हैं फटाफट, लेट भी हो रहा है, ये साथी सबको भी लेट हो रहा है जाने में। ये रहा इन साथी का बाइक और वो मेरा बाइक, दोनों देख सकते हैं सेम ही लग रहा है देखने में कुछ इस तरह। ये रहा सेम लग रहा है यार देखने यहाँ पर, बवाल लग रहा है, पर इसका स्पीड बहुत है। मैंने मोबाइल में अच्छे से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए स्क्रीन, तो कोई बात नहीं, अब जब गोप्रो आएगा तो फिर से ब्लॉग बनाएंगे। फिलहाल के लिए नोटिस के लिए आप लोग को बना दिए ये ब्लॉग, तो ये सब जा रहा है तो छोड़ते हैं आप और उसके बाद चलते हैं। ये वो सब चला गया, वो सब शायद ये जो इधर से मिर्चिया से इधर पहाड़ जाता है ना वहाँ वो लोग जा रहा था, पर हमको भी बोला पर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी जाना पड़ेगा काम है, इसका सर्विसिंग कराना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर से निकलते हैं। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, और मतलब जब गोप्रो नहीं रहता हाथ में ना तो बहुत ब्लॉग बनाने में बहुत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आधा से आधा ब्लॉग मेरा गोप्रो से ही बनता है। अभी राइड किए उसका ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मेरे पास गोप्रो नहीं था, और बस सिनेमेटिक आप लोग को दिखा दिए। तो गाइस सिनेमेटिक में आप लोगों को कैसा लगा बाइक देखने में, बाइक तो बहुत बवाल है, बहुत कम्फर्टेबल है, एंड स्मूथ भी बहुत है, एक गियर में दो गियर में सब भागता है ना, इतना स्पीड है उसमें, डोमिनार जैसा लग रहा था चलाने में, बहुत मजा आया चलाने में। और नेकेड बैग जैसा है, अगर आपको हार्ड बैग चाहिए तो डोमिनार लीजिए, अगर नेकेड बैग चाहिए सिटी के लिए नेकेड बैग तो आप वो NS 400 आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा N150 और उसका NS 400 था, सेम मॉडल था, लुक था, आप लोग देख लीजिए इसका जो सामने से ऐसे, और उसका लाइक ऐसे है DRL, मेरा DRL ऐसे है ये सीधा में, उसका इस टाइप में DRL है, एंड ये लाइट रहा कुछ इस तरह, और तो सेम ही था, और बस मोड गार्ड ये सब मोटा था। अगर चार ऑब्वियसली बड़ा ही होगा क्योंकि मेरा 150 उसका 400 था, इसलिए सब कुछ बड़ा बड़ा था यहाँ पे, और टायर भी मोटा था, एंड मोड गार्ड भी बवाल लगा था देखने में। तो फिलहाल बाइक को सर्विसिंग कराना पड़ेगा। और आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। और हम अभी बस रिव्यू के लिए बना दिए ब्लॉग, क्योंकि मेरे सिरहा में मेरा दोस्त ही फर्स्ट बाइक लिया NS 400, इसलिए मैं रिव्यू के लिए बना दिया, और नहीं तो जब मेरा गोप्रो अच्छा से हो जाएगा और मैं जब शादी से सब कुछ अटेंड करके फ्री हो जाऊंगा तो फिर एक ब्लॉग बनाऊंगा अच्छा से राइड करके। देन अभी निकलते हैं घर, और ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग ये ब्लॉग इन्जॉय किए होंगे, अगर इन्जॉय किए तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना गाइज। जैसे ये डिलीवरी लिए थे ये बाइक का, उसमें बहुत व्यू आया, बहुत कमेंट आया, वैसे ये बाइक ये वाला में आप लोग कमेंट करिएगा। बाइक जो डिलीवरी लिए थे तो बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारा व्यू आया कि कितना प्राइस है, क्या है भाई, ये कम्फर्टेबल है कि नहीं है, सब कुछ आया, और हर एक का मैंने रिप्लाई दिया। सेम उसी तरह आप लोग भी ये जो मैं ब्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ इसमें आप लोग मुझे मैसेज करना, कुछ पूछना, कुछ आप लोगों को नोटिस है कुछ पूछना, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना, मैं हर एक का रिप्लाई दूंगा और किसी का रिप्लाई मैं मिस नहीं करूंगा, सबका रिप्लाई दूंगा अच्छा से, क्योंकि मैंने बाइक चला लिया, मुझे पता चल गया क्या क्या है उस, अभी तक मुझे 50% पता चला वो बाइक में NS 400 में क्या क्या है, पर मैं एक दिन अच्छा से पूरा रिव्यू दूंगा। तो कुछ इस तरह ये रहा मेरा बाइक। तो गाइज यहाँ पर से निकलते हैं,
और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय।